जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज तो दिनों दिन चलना ही केवल विश्वास से आपके उद्धार के बाद यही मसीही जीवन में सबसे महत्वपूर्ण बात है और इसीलिए विश्वास से दिनों दिन चलना ही मसीही जीवन में सबसे मुश्किल अनुभव है मसीही जीवन में सबसे मुश्किल अनुभव इसलिए केवल विश्वास से चलना अकेले शैतान की उपजाऊ जमीन है कि विश्वासियों के जीवन में काम कर सके आपके और मेरे जीवन में और इसलिए दिनों दिन, 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 दिन केवल विश्वास से चलना जैसे आपने केवल विश्वास से उद्धार पाया है बहुत से विश्वासियों के लिए यही लड़खड़ाने की जगह है और इसलिए केवल विश्वास से ही अकेले चलना ऐसा स्थान नहीं है जहां पहुंचकर कर कहे कि मैंने से कर दिखाया और अब मैं आराम से विश्राम कर सकता हूं नो no, इसके बजाय ये प्रतिदिन का समर्पण है ये प्रतिदिन थान लेना है ये प्रतिदिन चढ़ना है ये प्रतिदिन प्रभु का बल खोजना है कि आपको बल दें ये प्रतिदिन उन परीक्षा के बारे में सचेत होना है जो हमें फेंकने की दूसरी तरफ राह देख रही है खुद से पूछा और मैं निश्चय ही जानता कि आपने भी खुद से ये कई बार पूछा होगा क्यों क्यों और उसका उत्तर यही होना चाहिए क्योंकि हमारे पास की हर चीज हमारी परीक्षा ले रही है कि हम विश्वास से ना चले क्योंकि हर चीज और लगभग हमारे पास का हर व्यक्ति हमें दूसरी और फेंक रहा है कि हम दृष्टि से जिए न कि विश्वास से इनफैक्ट मैं आपसे डील करता हूं अगर आप आज निर्णय ले कि आप प्रभु की आवाज सुनेंगे आप प्रभु की आज्ञा मानेंगे और कहते हैं कि मैं कल विश्वास से ही चलूंगा मैं आपसे वादा करता हूं आप अपने जीवन के किसी भी समय से ज्यादा विरोध का सामना यही करेंगे और अरे मेरा वादा है संसार आपका विरोध करेगा शैतान हर कोने से आपको मारेगा आपके दोस्त भी आपका विरोध करेंगे और आपके परिवार के सदस्य भी आपके राह में रोडा अटकाएंगे मैं आपको इस वचन से इसका उदाहरण दिखाना चाहता हूं कि प्रभु ने अपने वचन से स्पष्ट रूप में बहुत से प्रकट किया है कि कैसे यीशु के चेलों को यह अद्भुत पाठ सीखना पड़ा बड़ी मुश्किल से मैं चाहता कि आप मेरे साथ अपनी बाबिल निकाल लें मते रचित सुसमाचार अध्याय सत्रह चलिए मैं ये अध्याय संदर्भ से जोड़ता हूं यशु मसे अभी रूपांतरण के पहाड़ से नीचे ही उतरा था और आप कहेंगे क्या रूपांतरण के पहाड़ का अनुभव तब हुआ जब यीशु याकूब पतरस और योना को पहाड़ की चोटी पर ले गया और वहां पिता परमेश्वर ने उन पर उन पर प्रकट किया प्रताप और सामर्थ ईशरत और महिमा यीशु की जो परमेश्वर का पुत्र है वहां यलिया और मूसा प्रकट हुए वह पत्र से इतना उत्साहित होता है यीशु की महिमा को देखकर यीशु की सामत को देखकर प्रताप को देखकर वो इतना उत्साहित होता है कि वो कहता है कि हम यहीं पर रहेंगे घर नहीं जाएंगे हम लोग <laughs> पर यह समय था कि महिमा के पहाड़ से उतर जाएं और परेशानी की तराई में जाएं और यह समय था कि चमकने वाले प्रताप से जो प्रगट मसीह का है और पिता परमेश्वर की उपस्थिति से और एलिया और मूसा की उपस्थिति से निकल कर पाप से श्रावित संसार में जाएं यह नीचे आने का समय था और इस अद्भुत अनुभव के बाद सबसे पहला पाठ जो प्रभु ने अपने चेलों को सिखाया था वह है विश्वास में चलना मैं आपको तीन चीजें बताना चाहता हूं आपके पास पेन और पेपर है तो इसे इसी वक्त लिख लें इसे अपने मन के मन के पन्नों पर प्रिंट करें और अपने दिल के पन्नों पर प्रिंट करें इस वचन से मैं आपको यह तीन चीजें बताना चाहता हूं चेलों के विश्वास के बारे में नंबर एक प्रतिदिन के विश्वास का काम और अपने जीवन में विश्वास से चलने के लिए समय से सीमित नहीं है वास्तव में याकूब जो प्रभु यीशु का भाई था वो सीमा पार जाकर कहता है कि अगर आप लोग प्रतिदिन के विश्वास में काम नहीं कर रहे हैं तो क्या आपने उद्धार पाया है या नहीं इसमें बड़ा संदेह है वास्तव में वो कह रहा है कि प्रतिदिन विश्वास में काम करना आपके उद्धार का सबूत है प्रतिदिन के विश्वास में काम करना तो सबूत है कि आपने उद्धार पाया है प्रतिदिन के विश्वास में काम करना यह दर्शाता है कि आप अपने होठों से क्या अंगीकार करते हैं इसलिए यह ये व्यक्ति यीशु के पास आता है वचन चौदह में मती रचित सुसमाचार के अध्याय सत्रह में और ये व्यक्ति परेशान था मतलब वो परेशान था परेशान ये व्यक्ति जो अपने सताए गए पुत्रों के बदले में आया था वो बहुत परेशानी में था दुष्ट आत्मा उसके बेटों को सता रहा था बुरी तरह सता रहा था और वो विश्वास करता था कि यीशु से चंगाई दे सकता है यीशु से ठीक कर सकता है ये व्यक्ति जो जो उसका बिल्कुल नहीं था वो अपने एक लौते बेटे को वहां लाता है परमेश्वर के इकलौते पुत्र के उपस्थिति में इसी कारण विश्वास सच्चे विश्वासी और प्रभु की सच्ची संतान के लिए है मुझे गौर से सुनिए प्लीज गौर से सुनिए मुझे विश्वास इसलिए उपलब्ध है क्योंकि आपके पास का हर अविश्वासी व्यक्ति चाहे वो आपके घर में हो या चाहे संसार में कहीं भी क्यों ना हो वो शैतान के शैतान के नियंत्रण में रहता है विश्वास इसलिए दिख नहीं सकता है क्योंकि हर एक व्यक्ति जिसने उधार उधार नहीं पाया है चाहे वो कहीं भी हो वो शैतान द्वारा सताया जाता है उद्धार न पाने वाला व्यक्ति जो आपके पास या संसार में कहीं भी क्यों ना हो वो शैतान के प्रभाव में है आपके पास उद्धार ना पाया व्यक्ति चाहे वो संसार में कहीं भी क्यों ना हो चाहे वो उसे जाने या ना जाने वो उस दुष्ट आत्मा के प्रभाव में है और केवल परमेश्वर के पुत्र की सामर्थ पर विश्वास करना ही उन्हें इस दशा से छुड़ा सकता है इसलिए प्रतिदिन के विश्वास का उपयोग करना सच में संभव है अगर आप सच में प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं अगर आप नए बनाए गए व्यक्ति हैं अगर आप यीशु के उद्धार को रूप में जानते हैं तो विश्वास में आपका चलना संभव है ये ऐसा नहीं है कि जिसे करना आप पसंद करते हैं या फिर करना चाहते हैं नहीं 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 ऐसा नहीं, नहीं, नहीं है ऐसा कुछ है जो आपको करना ही होगा और प्रभु आपको यह करने की शक्ति देता है मैं आपको प्रभु वचन से एक पल में दिखाऊंगा कि यह प्रभु के दिल को कैसे तोड़ता है जब उसकी संतान विश्वास से नहीं चलती है मुझे ध्यान से सुनिए दूसरा पॉइंट है प्रतिदिन के विश्वास में चलना चलना संभव हो सकता है विश्वासियों द्वारा यह संभव हो सकता है हर एक विश्वासी द्वारा यह संभव हो सकता है चर्च के द्वारा मैं चाहता हूं कि आप वचन सोलह देखें मत्ती सत्रह में पिता ने यीशु से यही कहा था पिता जो पुत्र के साथ आया था मैं अपने बेटों को तेरे चेलों के पास ले आया लेकिन वो इसे चंगा नहीं कर पाए अब इसके पहले कि आप चेलों के लिए बहाने बनाए धीरे धीरे देखिए आप ठीक है ये मत कहिए कि उन्होंने ऐसा महसूस किया होगा वैसा महसूस किया होगा और अभी बहाने मत बनाइए आप चेले विश्वास में काम करने से चूक गए थे इस घटना में <गगगा> जबकि भूतकाल में वो ये कर सकते थे आप कहेंगे कि आपको कैसे पता एक साल पहले मत्ती के सुसमाचार में अध्याय दस वचन छ सात और आठ में यीशु बारह को भेजता है बारह को और वो उन्हें आज्ञा देता है कि जाकर इन वचनों का प्रचार करें कि स्वर्ग का राज्य निकट है वो कहता है कि जाकर बीमारों को चंगा करो मुर्दों को जिलाओ कोड चंगे करो दुष्ट आत्मा को निकालो तो वो बाहर गए और उन्होंने से विश्वास से किया वास्तव में आप ऐसी घटनाएं है पढ़ते हैं जहां वो आपस में आकर उत्साह में कहते हैं कि यीशु दुष्ट आत्माएं भी हमारी सुनती है और आज्ञा मानती है यीशु कहता है कि इसलिए आनंद मनाओ कि तुम्हारा नाम जीवन की किताब में लिखा है इसलिए क्या हुआ एक साल पहले क्या हुआ कि वो यीशु की सामर्थ का अनुभव कर पाए लेकिन अब नहीं उनके प्रतिदिन के विश्वास के उपयोग करने में क्या गलत था कि एक साल पहले वो विश्वास का उपयोग कर सके लेकिन एक साल बाद नहीं कर सके उनकी परिस्थिति नहीं बदली थी उन्हें दी गई यीशु की आज्ञा भी नहीं बदली थी तो क्या हुआ था प्रियो सुनिए केवल एक ही विवरण है एक ही विवरण अपने ही कानों से सुनिए उनका विश्वास के साथ काम करना अब कम हो गया था बिल्कुल कम हो गया मैं इस दावे के साथ कह सकता हूं हिम्मत से कहता हूं कि आप में से कुछ लोग मेरी ओर देख रहे हैं एक बार आपका विश्वास मजबूत था लेकिन आज आपका विश्वास बहुत कम हो गया है बिल्कुल वैसे ही जैसे यहाँ प्रेरित थे लेकिन क्यों क्यों क्योंकि वो यीशु की सामर्थ को नहीं ले सके वो यीशु के स्रोत को लेने में असफल रहे और वो खुद के स्रोतों पर आधारित रहने लगे कि वो क्या कर सकते हैं अपनी योग्यता में वो खुद पर विश्वास करने लगे थे वो घमन करने लगे थे कि वो क्या कर सकते हैं और वो इस पर आधारित थे कि वो कैसे हैं ये नहीं कि वो किसके हैं वो सोचने लगे कि हमें देखो देखो हम क्या कर सकते हैं इसलिए विश्वास में उनका काम करना बंद हो गया अब प्रियो मुझे ध्यान से सुनिए हम सब लोग प्रभु यीशु को जानते हैं हमने शुरू किया कि उसके साथ विश्वास में चलें हमने विश्वास से और विश्वास में शुरू किया है क्योंकि विश्वास के बिना आप कभी भी विश्वासी नहीं हो सकते थे और आपने विश्वास से शुरू किया है लेकिन फिर सबसे सबसे भयानक परीक्षा है जो हर तरफ से आती है और हम सोचते हैं कि हम कितने अद्भुत हैं हम सोचने लगते हैं कि हम कितने बुद्धिमान हैं हम सोचते हैं कि हमने कितने वरदान पाए हैं और कितने चतुर हैं हम सोचने लगते हैं कि हम कितने ज्ञानी हैं जानते हैं हम सोचने लगते हैं कि अगर लोग हमारे पास सलाह के लिए आते हैं अगर लोग हमारी तारीफ करने के लिए हमारे पास आते हैं अगर लोग हमारी प्राप्ति देखने के लिए हमारे पास आते हैं अगर लोग हमारे पास हमारी तारीफ करने आते हैं अगर लोग हमसे सीखने के लिए आ रहे हैं तो सचेत रहे सचेत रहे सचेत रहे सचेत रहे अधिक समय नहीं लगेगा कि आप खुद पर विश्वास रख काम करने लगेंगे अधिक समय नहीं लगेगा कि आप विश्वास में विश्वास करने लगेंगे अधिक समय नहीं लगेगा कि आप अपने स्रोतों में विश्वास करने लगे और प्रभु की दी आशीषों पर रखें अधिक समय नहीं लगेगा कि आप अपने सम्मान पर घमन करें अधिक समय नहीं लगेगा कि आप ये सोचने लगे कि मनुष्य जाति के लिए आप प्रभु के वरदान हैं चलो ने यही किया था उन्होंने यही किया यही समस्या है और उनका विश्वास उनका प्रतिदिन का विश्वास उनका प्रतिदिन का विश्वास दूषित हो गया था दूषित हो गया क्योंकि जब आप यीशु के स्रोतों से लेना बंद कर देते हैं जब आप यीशु की सामर्थ और आशीषों को लेना बंद कर देते हैं केवल आज के लिए नहीं लेकिन भविष्य के लिए भी केवल एक ही स्वाभाविक तरीका है कि आप खुद के स्रोतों में से अपनी ही आशीषों से अपने ही ज्ञान से अपने ही अनुभव से क्या होता है हम प्रभु के लिए अपना प्रभाव खोते हैं हम अपना प्रभाव खोते हैं और वहां एक व्यक्ति आपके पास आता है जिसका बेटा दुष्ट आत्मा से परेशान है जरूरी नहीं कि ये इस तरह से ही आए लेकिन चाहे जो भी जरूरत हो और आप उसे निकालने की कोशिश करते हैं लेकिन वो नहीं निकलती है हेलो जब ऐसा होता है तो आप निश्चय ही विश्वास से काम करने लगते हैं अपने नहीं लेकिन प्रभु के स्रोत से क्योंकि जब हम अपने स्त्रोत पर विश्वास रखने लग जाते हैं जब हम अपनी सामर्थ्य में विश्वास करने लग जाते हैं चले जैसे ही एक दिन हमारा सामना संसार की बड़ी जरूरत के साथ होगा और हम केवल विश्वास में दूषित काम ही दे सकेंगे केवल विश्वास में हम दूषित काम ही दे सकेंगे यीशु का विश्वास नहीं मैं चाहता हूं कि आप यीशु का प्रत्युत्तर देखें क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं कि यीशु के पास बस ऐसा ही प्रत्युत्तर है हमारे लिए मैं चाहता हूं कि आप यीशु की प्रतिक्रिया देखें मैंने ये वचन बार 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 पढ़ा है क्योंकि मैं आपको कुछ बता सकता हूं जब आप सुसमाचार पढ़ते हैं बहुत कम समय आप यीशु के अलौकिक दिल की झलक देख सकते हैं जिसमें उसकी अलौकिक इच्छा है अलौकिक अलौकिक इच्छा है आप स्पष्ट देखते हैं जब उसने दस कोड़ियों को चंगा किया नौ यहूदी और एक सामरी तब केवल सामरी वापस आकर कहता है धन्यवाद और नौ कभी वापस नहीं आते हैं आप उसकी इच्छा की गहराई देखते हैं जब वो कहता है क्या दस नहीं थे क्यों केवल यह परदेशी धन्यवाद देने के लिए आया है हम वहां देखते हैं और इस वचन में देखते हैं मते अध्याय सत्रह में देखिये वचन सत्रह और अठारह हे hey, अविश्वासी और हटीले लोग मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा फिर यीशु दुष्ट आत्मा को डांटता है और लड़का चंगा होता है लेकिन यीशु क्या कह रहा है गौर से सुनिए सुनिए मैं विश्वास करता हूं कि यीशु शौकित था चेलों के दूषित विश्वास पर दूषित विश्वास पर मैं विश्वास करता हूं कि यीशु अंदर में क्रोधित था क्रोधित अपने चेहलों के दूषित विश्वास में चलने से ध्यान से सुनिए मैं विश्वास करता हूं कि यह हमेशा यीशु के दिल को शोकित करता है जब उसकी संतान विश्वास में दूषित होकर काम करते हैं मैंने चाहता कि आप इसे चूक जाएं यीशु ने विश्वास में दूषित होकर काम करने को कहा था प्रदूषित आपने सही सुना सही सुना मैंने यह नहीं कहा वचन में है खुद से देखे चिन्ह लगाकर रेखांकित करें और गोल बनाए गोल बनाए इसमें विचार था कि आकार देने के लिए झुक जाए जो भी प्रभु के स्रोतों में और प्रयोजन में विश्वास करने में असफल होता है वो प्रभु और उसकी इच्छा के लिए दूषित दर्शन रखता है जो भी पूरी पूरी तरह से प्रभु के स्रोतों और प्रयोजन पर आधारित रहने में असफल होता है वो प्रभु और उसकी इच्छा को मुड़ा हुआ ही देखता है मैंने ये नहीं कहा यीशु ने कहा यीशु ने कहा विश्वास में काम करना संभव होता अगर आप प्रभु की संतान है प्रभु की संतान है तो विश्वास में काम करना आपके द्वारा असंभव होगा और मेरे द्वारा तीसरा है विश्वास में काम करना रोज का विश्वास निरंतर आप में उंडेला जाना चाहिए वचन 19 बीस और 21 को देखें मत सत्र में आप जानते हैं यहां क्या हो रहा है आपको इसे दूसरी भाषा में पढ़ना होगा ताकि सच में इसे समझ सके आप ये अद्भुत अद्भुत परिस्थिति है और ये अद्भुत अद्भुत दृश्य है चेले वास्तव में चकित हो गए थे वो अचरज में थे शर्मिंदा हुए अपमानित हुए बेइज्जत हुए वो यीशु से पूछने लगे जैसे ही भीड़ चली गई जैसे ही उन्हें यीशु के साथ एकांत का समय मिला तो वो पूछने से रुके नहीं यीशु हम उसे क्यों नहीं निकाल सके ये ऐसा है कि हमने पहले भी किया है अब हम क्या करें प्रियो सुनिए यदि आप प्रभु की सामत को खो दिए हैं वो केवल एक कारण से हैं एक कारण एक कारण है ओहो, देखिए मैं समझता हूं कि आप अभी भी क्रम में से जाते हैं आप पहले जैसे ही प्रार्थना करते थे वैसे ही कर रहे हैं पहले गाते थे वैसे ही गा रहे हैं पहले जैसे चर्च जाते थे वैसे ही चर्च जा रहे हैं आप अभी भी वही कर रहे हैं अभी भी क्रम से जा रहे हैं पहले जैसे ही अभी भी आपका आदर किया जा रहा है सच में आपका ज्यादा आदर है आज लेकिन कुछ हुआ आपके चलने में वो क्या है यीशु ने कहा कि सरल रूप में ये तुम्हारे विश्वास की कमी है विश्वास की कमी यह कमी है तुम्हारे विश्वास की तुम्हारे विश्वास का काम मुझ में बढ़ने के बजाय कम हो रहा है उस पर भरोसा करने के बजाय कि वह आपको महिमा से महिमा में ले जाएगा और आप क्या कर सकते हैं उसी में संतुष्ट हैं इसका क्या अर्थ है इसका अर्थ है कि आपने प्रभु को अनुमति नहीं दी कि वो अपना विश्वास ऊंडे ले अपने स्रोत ऊंडे ले और अपनी सामर्थ ऊंडे ले और अपना ज्ञान ऊंडे ले आप में सच में यहां एक विरोधाभास है मैं नहीं कहूंगा कि अगर आप ऐसे हैं तो अपने हाथ उठाएं देखिए यहां पर एक विरोधाभास है हा? एक तरफ यीशु कहता है कि यह तुम्हारे विश्वास की कमी है जिसे तुम परेशानी में हो और अगला ही वाक्य जो कहता है कि अगर तुम्हारे पास विश्वास है जो राय के दाने जितना छोटा हो अब रुके एक मिनट यह मनुष्य के लिए सबसे छोटा बीज है कम से कम उस समय तो कैसे यीशु उन्हें डांटता है और फिर वो कहता है कि अगर तुम्हारे पास विश्वास है राय के दाने जैसा छोटा हो तो तुम उस पहाड़ से कहोगे तुम यहां से जाओ तो वो कहेगा यस सर <laughs> अगर आपने ये विरोधाभास देखा था तो खुद की सराहना कीजिए यीशु खुद के विरोध में बोल रहा है नहीं आप मुझे ध्यान से सुनिए मैं खत्म करने पर हूं राय के दाने की बात यही है कि उसमें क्षमता होती है कि वो बड़ा पेड़ हो सकता है छोटे विश्वास में क्षमता नहीं होती है कि बढ़ते जाएं सच में वो केवल घटता है बढ़ता नहीं है बढ़ता नहीं है यीशु यही कहना चाहता था छोटा विश्वास बड़ी चीजें पा सकता है केवल जब वो राय के दाने जैसे होता है तब वो जैसे थे उसके बहुत बहुत बड़ा होता है केवल जब छोटा विश्वास बढ़कर महान विश्वास होता है तब वो असंभवता का पहाड़ हटा सकता है आपके जीवन में केवल राय के दाने का विश्वास दृढ़ विश्वास है क्योंकि वो कभी हिम्मत नहीं हारता है केवल राय के दाने का विश्वास बढ़ने वाला है क्योंकि वो बाहर बढ़ता है भीतरी रूप में नहीं केवल राय के दाने का विश्वास सामर्थ्य विश्वास है क्योंकि वो ऊपर बढ़ता है न कि नीचे बढ़ता राय के दाने का ऐसा विश्वास ही ऐसा विश्वास है जो नाम के योग्य है अपने स्रोतों में विश्वास अपनी योग्यता में विश्वास छोटा विश्वास है वो कहीं नहीं लेकिन नीचे जाएगा ओ शायद आप अपने होठों से कहे कि आपके पास जो भी प्रभु से हैं आपका जो भी है वो प्रभु का है लेकिन बाहर से आप ये मानेंगे लेकिन भीतर में गहराई में आप विश्वास में काम करते हैं कि जो प्रभु ने आपको दिया है इसमें नहीं कि प्रभु क्या चाहता है कि आप करें जो बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा चीजें होंगी आपने सोचा नहीं कि यह संभव होगा वास्तव में आप जो विश्वास में काम करते हैं वो प्रभु के स्रोतों पर आधारित हैं तो ये विश्वास जो प्रभु सब में देखना चाहता है कि कि उसके संतान इसमें काम करें अगर आप परमेश्वर को स्वयं पहचानना चाहते हैं तो हमसे पत्रिका की मांग कीजिए जो आप पाना चाहते हैं उस आनंद को खोजिए वो आपको आपके प्रति परमेश्वर के प्यार के बारे में बताएगा और क्षमा का अनुभव का विवरण भी अगर आपको परमेश्वर के साथ व्यक्तिगत रिश्ता हो या नज़दीकी रिश्ता पाना चाहते हैं, तो हमारी पत्रिका सात पद जो विश्वास बढ़ाता है परमेश्वर से संबंध और गहरा करने में मदद करेगा अपनी मुफ्त पत्रिका के लिए हमसे संपर्क करें माइकल यूसुफ आपको न्योता देते हैं कि आप संसार के दूसरे विश्वासियों के साथ जुड़ जाएं कि वर्ल्ड रिवाइवल के लिए प्रार्थना करें और आत्मिक जागृति के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं www.worldrevival.org पर प्रार्थना के समूह में जुड़ने के लिए आज ही साइन अप कीजिए निरंतर अपडेट्स पाए दूसरे देशों के विश्वासियों के साथ आप जुड़ जाए अपने प्रार्थना निवेदन बांटे जो अपने विश्वास के लिए सताए जाते हैं ऐसे दूसरे विश्वासियों की ओर से सीखें, दूसरे विश्वासियों के साथ नेटवर्क करें और बहुत कुछ है आइए हम समर्पण करें एक दूसरे के लिए प्रार्थना करने और आत्मिक जागृति के लिए आज ही वर्ल्ड रिवाइवल डॉट पर साइन अप कीजिए और इस प्रार्थना के अद्भुत अनुभव में हमारे साथ जुड़ जाएं। मसीही की सच्चाई को प्रकट करिए ये कार्यक्रम लीडिंग द वे प्रस्तुत करते हैं डॉक्टर माइकल यूसुफ के साथ